जोमैटो के दिन फिरते दिख रहे हैं, ये शेयर फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। जुलाई में खराब प्रदर्शन के बाद भी अगस्त में जोमैटो में निवेशकों का अच्छा पैसा बन गया है। 26 जुलाई को जोमैटो का भाव 41 रुपए पर पहुंच गया था, जो अब 65 रुपए पर आ गया है, यानी इस शेयर में 20 दिन में 50% बढ़त हो गई है। 5 दिन में शेयर 17% से ज्यादा चढ़ा है, 1 महीने में शेयर 21% मजबूत हो चुका है। हालांकि उच्चतम स्तर से शेयर अभी भी काफी नीचे है। जोमैटो का ऑल टाइम हाई 169 रुपए है, इस भाव से देखें तो ये शेयर 104 रुपए नीचे है। लेकिन जोमैटो में खरीदारी लौटने से ऊपरी स्तरों पर फंसे निवेशकों को भाव और ऊपर आने की उम्मीद जगी है। जुलाई महीने में जब जोमैटो का शेयर टूट रहा था तो म्यूचुअल फंड हाउसेस की ओर से इस शेयर में खूब खरीदारी की गई। जुलाई के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन म्यूचुअल फंड्स ने जोमैटो में पैसा लगा रखा था उन्होंने निचले स्तर पर इस शेयर में खूब खरीदारी की है। इससे साबित होता है कि फंड मैनेजर इस शेयर को लंबी रेस का घोड़ा मान रहे हैं। ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज के डेटा के मुताबिक जुलाई में निपॉन इंडिया ने 7 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने जोमैटो के 2.54 करोड़ शेयर खरीदे। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने 1.30 करोड़, HDFC म्यूचुअल फंड ने 99 लाख और UTI म्यूचुअल फंड ने 38 लाख शेयर खरीदे। हालांकि SBI म्यूचुअल फंड्स ने जुलाई में 1.40 करोड़ शेयर बेचे हैं। जुलाई में जोमैटो में pre-IPO निवेशकों का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद आई थी। pre-IPO निवेशक वो होते हैं जिनका IPO लाने से पहले कंपनी में पैसा लगा होता है। 73% यानी करीब 648 करोड़ शेयर का लॉक इन पीरियड 23 जुलाई को खत्म हुआ था। लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही इस शेयर में गिरावट देखी गई। इस दौरान उबर ने भी जोमैटो में 3,900 करोड़ के शेयर बल्क डील में बेचे थे। जोमैटो के पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में नई खरीदारी देखी गई। अप्रैल जून तिमाही में जोमैटो का प्रदर्शन अच्छा रहा। अप्रैल जून तिमाही में जोमैटो का घाटा कम होकर 186 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल पहली तिमाही में जोमैटो का घाटा 360 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 67% उछाल के साथ 1,414 करोड़ रुपए रही। पिछले साल जून तिमाही में कंपनी की आय 844 करोड़ रुपए थी। कंपनी का EBITDA लॉस घटकर 150 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी का फूड डिलीवरी कारोबार 15% बढ़ा। पहली तिमाही के नतीजे के बाद कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी और ऊपर के टारगेट दिए थे। मॉर्गन स्टैनली ने जोमैटो पर ओवरवेट रेटिंग के साथ 80 रुपए का लक्ष्य दिया। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनी की एवरेज ऑर्डर वैल्यू में सुधार आ रहा है, जो कि मोनेटाइजेशन के लिए अच्छा है। क्रेडिट स्विस ने जोमैटो पर आउट परफॉर्म पर राय बना रखी है। प्रति शेयर टारगेट 90 रुपए रखा गया है। JP Morgan ने स्टॉक पर ओवरवेट की राय दी है, टारगेट 115 रुपए प्रति शेयर रखा है। वहीं जेफरीज ने 100 रुपए के टारगेट के साथ जोमैटो पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की जोमैटो पर खरीदारी की राय बरकरार है, टारगेट 100 रुपए प्रति शेयर है। UBS ने भी जोमैटो पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है, टारगेट 95 रुपए प्रति शेयर है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड्स की ओर से नई खरीदारी से जोमैटो के फिर से ऊपर जाने की उम्मीद बंधी है। लेकिन हमारी सलाह है कि किसी भी शेयर में निवेश से पहले किसी निवेश सलाहकार की राय जरूर लें।